Good morning everyone I said good morning everyone How are you guys Koi farak sir Same zindagi ekdam No change Okay कल हमने थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल कॉमर्स समझा था आपको यह समझ में आ गया होगा दैट इस चैप्टर में कुछ चीजें बहुत ही बेसिक लेवल का रहेगा मतलब स्टार्टिंग पार्ट जो रहने वाला है इवन मे बी टूडेज मोस्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ओके आई वॉन्ट समाउ एट द बैक बेटा जल्दी सेटल ऑन फास्ट हाँ सो तो, कल हमने सिर्फ बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स डिस्कस किया था आज वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे एंड देन स्लोली स्लोली विल डिजिटल पेमेंट्स वाला पार्ट एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर अदर टर्मिनोलॉजीज जहां पे क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होता है वर्चुअलाइजेशन क्या होता है विल हिट दोन ऑल्सो आज यू टू कलेक्ट दुक्स कुछ लोगों ने कलेक्ट किया कुछ लोगों ने नहीं किया कितने लोगों ने बुक्स कलेक्ट नहीं किया नहीं किया नहीं किया nice. थोड़ा तुम्हारे को 6:45 के बाद लेक्चर नहीं हो रहा है नहीं हो रहा ना यू हैव लास्ट लेक्चर एट सिक्स राइट यू गेट्स ओवर एट सिक्स फाइव टेन मिनट्स अप एंड डाउन तो थोड़ा दस मिनट स्पेंड करो बुक्स कलेक्ट कर लो हाँ? आधा मिनट स्पेंड कर मतलब हाफ एन आवर स्पेंड करो कलेक्ट कर लो बुक यार क्या फर्क पड़ता है कर लो ना पढ़ाई घर कर जाके करना पड़ता है कल का कल तुमको किसने बोला घर जाके पढ़ने के लिए फर्स्ट डे ग्रुप वन का पढ़ाई करना होता है मतलब वो घर जाके जो तुम एक घंटा बुक खोल के एक्टिंग कर रहे हो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉट अ बुक द एंटायर डे ये तुमने ऐसा इवैल्यूएशन की तरह से सीखा मैंने तो नहीं सीखा है ऐसा कन्फर्म हंड्रेड परसेंट अभिषेक सर तो ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेंगे एनी वेज योर चॉइस आई एम गोइंग टू कंटिन्यू माई डिस्कशन सो काम करते हैं लेट्स गो एड कल जो हमने डिफरेंस वाले पॉइंट्स पढ़े थे उसमें एक आध पॉइंट और है Exam point of view, I, mean, I think more than 5 6 points. Clear, so that is sufficient from exam point of view. But one area which I would still want to discuss as a difference between traditional commerce and e commerce. Can you see a word profit impact? Can you see a word profit impact? Now, for 5 minutes, let's have a simple discussion on traditional commerce and e commerce. If you think about a conventional business, if you think about a conventional business, all different categories of costs.

यू नो लॉजिकल प्रेजेंस है फिजिकल प्रेजेंस है एक एरिया में मेरा वॉल्यूम उतना ही रहता है बिकॉज ऑफ विच इफ आई से माई क्वांटिटी सोल्ड इज सिचुएशन। एंड माई कॉस्ट पर यूनिट इज एक्स द प्रॉब्लम इज दैट कॉस्ट कैन बी अपोर्शन ओनली ऑन थाउजेंड क्वांटिटी वाइल इन केस ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस द मेन गोल ऑफ एंट्रिंग इंटू कॉमर्स इज एंट्रिंग इन टू द वॉल्यूम गेम that you can actually go beyond the physical boundaries do you get my point it should not matter whether you have a physical store in a different state or not still people from that state can buy your product that's the main logic for example you have a very famous mithai shop in a particular city let's say in pune but still i want to sell the same product somewhere else in the country let's say maybe in rajasthan maybe in gujarat maybe in karnataka हो सकता है मैं बिग बास्केट से या कोई और थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से टाइप करता है या अपना खुद का ही प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है द मेन ऑब्जेक्टिव इज वहां मेरा फिजिकल स्टोर नहीं भी अगर होगा स्टिल आई कैन केट टू दैट मार्केट इससे मेरे पास में थाउजेंड के बी ऑर नया वॉल्यूम आएगा और जो नया वॉल्यूम आएगा इससे मेरा जो ओवरऑल जो आपका फिक्स कॉस्ट कॉम्पोनेंट है सुना होगा अपने, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट मे बी वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज एट पार विथ योर क्वांटिटी जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है वो सिग्निफिकेंटली विल कम डाउन टू यू गेट माई पॉइंट एंड बिकॉज ऑफ विच मेरा जो ओवरल मार्जिन है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ना शुरू होगा इट मे नॉट हैपन इन फर्स्ट मंथ इट मे नॉट हैपन इन फर्स्ट ईयर बट इवेंचुअली अगर मैं सेम वॉल्यूम कंटिन्यू कर पाता हूँ या वॉल्यूम को और बढ़ा पाता हूं तो मेरे लिए जो मार्जिन है वो और सिग्निफिकेंटली बढ़ते जाएगा इसीलिए मेजोरिटी ई कॉमर्स बिजनेस जो अपने आइडियाज को बेचते हैं ना वो क्या बोलते हैं मालूम है क्या आई मे नॉट बी मेकिंग प्रॉफिट टूडे बट आई विल रीच एट सच वॉल्यूम

इट लुक्स लाइक दैट ऐसा मेरे को पर्सनली फील हुआ मतलब एम नॉट अफ इंडियन ऑफ विदोड समुड बट इन देंड आई रियलाइज थोड़ा ड्रामेटाइजेशन ज्यादा है यहाँ पे मतलब है देर समीपल हुर एक्चुअली कमिंग अब विद गुड बिजनेस आइडियाज बट द शो मेकर्स वोर इंटरेस्ट इन द टीआरपी आई होप यूर अंडस्रस्टैंडिंग माई पॉइंट सो मतलब जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था उसको थोड़ा क्ल कर दिया उन्होंने और थोड़ा ड्रामेटाइज तरीके से प्रेजेंट किया इंडिया के अंदर बट अगर तुम फ्रॉम बिजनेस पॉइंट में सोचोगे तो ई कॉमर्स सेलिंग पॉइंट इज नॉट बैड दिंग इज जो फाउंडर है या को फाउंडर है या जो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव है उन्हें कॉन्फिडेंस होना चाहिए क्या वो नया वॉल्यूम जो बोल रहे हैं उसे सस्टेनेबल तरीके से अचीव कर सकते हैं क्या एक होता है मैंने वॉल्यूम अचीव किया टू दैट वॉल्यूम फिर मैं उस वॉल्यूम को धीरे धीरे और बढ़ाता हूं तब जाकर के मेरा एक्चुअली प्रॉफिट मार्जिन सही में या मेरा पॉजिटिव कैश फ्लो आना शुरू होगा और तब जाकर के मैं जो वैल्यूएशन टेग कर रहा हूं उसे जस्टिफाई कर पाऊंगा आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट सो यस थियोरिटिकली यू आस्क मी अगर आप ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई e कॉमर्स को कंपेयर करेंगे मे बी इन अ ट्रेडिशनल बिजनेस आपका जो कॉस्ट है वो सेम ही रहने वाला है मार्जिन्स में बहुत ज्यादा जंप नहीं आएगा एफिशियंसी बढ़ेगा आपका बट मार्जिंस इतना नहीं बढ़ेगा जितना मे बी इन केस ऑफ ई कॉमर्स पॉसिबल होगा बिकॉज आपका वॉल्यूम जो है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली बढ़ सकता है बिकॉज यहां पर लोकल प्रेजेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके लिए प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म का प्रेजेंस लोगों के दिमाग में होना चाहिए दैट इज वाई दे

जो इंडिया में नहीं है एनी वन दर्ज अ कंपनी कॉल्ड लिफ्ट एल वाई एफ टी नहीं सुना आप लोगों ने ये उबर का कॉम्पिटेटर है यूएस के अंदर आइडियली नाउ शिफ्टिंग टू कैनेडा एंड टू यूरोपियन मार्केट्स आइडियली और अच्छे से कंपीट कर रहा है तुम रादर अगर उन कंट्रीज में जाकर उबर बुक करेंगे उबर का तुम एस्टिमेटेड फेयर देखेंगे इफ इट लिफ्ट विल ऑलवेज बी लेस उसने मैकेनिज्म ये बनाया है दैट इन जनरल अगर मुझे उबर को बीट करना है तो एक ही तरीका है सेम सर्विस देना पड़ेगा और प्राइस कम देना पड़ेगा और अगर मार्जिनली दस परसेंट भी कम मैंने अगर चार्जेस लगाया तब भी लोग मेरे पे शिफ्ट हो जाएंगे एंड इट एक्चुअली माई पॉइंट तो आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज सुना होगा आपने देन देर इज अ सेकंड मूवर सेकंड मूवर के लिए चैलेंज क्या है क्वालिटी मैच करना पड़ेगा देर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट बट ए सेम टाइम थोड़ा मुझे प्राइस बेनिफिट किसको पास ऑन करना पड़ेगा कस्टमर को पास ऑन करना पड़ेगा मतलब सेम कैब जो वहां पर बीस डॉलर में बुक हो रहा है मुझे रियल टाइम बेसिस के ऊपर उसे कम से कम दस परसेंट कम या मे बी फाइव परसेंट कम प्राइस के अंदर पास ऑन करना पड़ेगा तब जाकर के लोग स्विच करेंगे और well, अदरवाइज लोग स्विच नहीं करेंगे वंस लिफ्ट ऑल्सो बिकम एक्सट्रीमली फेमस इट वो बिकम ऊबर मतलब माफिया बिकॉज वहां पर लोकल ट्रांसपोर्टेशन मतलब या तो सभ्य होता है

और अगर एयरपोर्ट 200 सो माइल्स भी दूर है फॉर एग्जाम्पल या हंड्रेड माइल्स भी दूर है मैं उबर लेके जा सकता है समझ लो मेरा बात पीपल एंड पेइंग हंड्रेड डॉलर टू हंड्रेड डॉलर ऑन अ कैब ड्राइव टू एयरपोर्ट वेरी नॉर्मली बिकॉज इतना कन्वीनियंस है और प्लस लोकल ट्रांसपोर्टेशन भी एक्सपेंसिव है हमारे इधर लोकल ट्रांसपोर्टेशन बहुत चीप है तो आपको कभी भी जब इंडस्ट्री देखना होता है देखना पड़ेगा उनके फेवर में क्या चीजें और क्या नहीं है अकॉर्डिंगली अपना कॉस्ट का अपोर्शनमेंट भी कर पाएगा इन सिंपल टर्म्स प्रॉफिट इंपैक्ट एक डेफिनेटली कंपेरेबल पॉइंट है जहां पर आप बोल सकते हो ट्रेडिशनल कॉमर्स में कॉस्ट रिड्यूस करना इतना आसानी से पॉसिबल नहीं होगा बट इन केस ऑफ ई कॉमर्स आप सिग्निफिकेंटली कॉस्ट को अपोर्शनमेंट कर पाएंगे बिकॉज ऑफ हायर वॉल्यूम तो शायद आपके लिए पर यूनिट कॉस्ट अप टू सम एक्सटेंट कम होगा और आपका मार्जिन क्या होगा इंप्रूव होगा दिस इज वन पॉइंट आई वॉन्ट टू रीड अलॉन्ग विथ मी जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पार्ट एंड देन वी विल गो नेक्स्ट कम टू प्रोफिट इम्पैक्ट देखो क्या बोलते हैं इनकेस ऑफ ट्रेडिशनल कॉमर्स

जो डिलीवरी मैकेनिज्म है क्योंकि इतने सारे कंपनीज उसमें एंटर हो गए सिंपल चीज है ना यार डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट पहले पांच कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही थी अब पचास कंपनीज है बिकॉज इतना रिक्वायरमेंट है लॉजिस्टिक कंपनीज का और जैसे ही नंबर ऑफ प्लेयर्स बढ़ेगा वो एक दूसरे से कंपीट कैसे करेगा प्राइस के बेसिस के ऊपर ही इसके बेसिस पे क्या होगा जो आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उनको सेम सर्विस मिलेगा कम प्राइस के अंदर आइडियली और इवेंचुअली वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्या करेगा इन लॉजिस्टिक कंपनीज को खरीदते जाएगा खरीदेगा ना यार

डाइवर्सिफिकेशन अलग अलग टाइप्स के होते हैं मतलब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल उनको ही हमें डिस्कस करना होगा दाउस डिफरेंट स्ट्रेटेजीज कैन आउट इन फेवर ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन बॉटम लाइन इनके पास में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है वॉल्यूम बढ़ाने का स्कोप बहुत ज्यादा है इसीलिए कॉस्ट अपोर्शनमेंट बेटर हो सकता है इस प्रॉफिट इंपैक्ट क्रिएट टू यू पक्का कैन यू गो नेक्स्ट नाउ नोटबुक्स नेक्स्ट साइडिंग चलो आगे बढ़ते हैं बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस देखो जो हम चैप्टर फोर शुरू किए ना बच्चों उस चैप्टर फोर में हमने जो पार्ट ए बनाया देर आर लॉट ऑफ पार्ट ए बी सी डी ई एफ जी एच अभी हम कौन सा पार्ट के अंदर है पार्ट ए के अंदर इन पार्ट ए दो तो ही कोर चीजें बाकी है एक तो था ट्रेडिशनल कॉमर्स ई कॉमर्स क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन दूसरा इस ई कॉमर्स बिजनेस का बेनिफिट क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके बाद आएगा वो आएगा कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स मतलब इस ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म में क्या क्या चीजें कनेक्टेड होती है हु ऑल आर एक्चुअली पार्ट ऑफ दिस ई कॉमर्स वो कंपोनेंट्स बहुत एसेंशियल रहेंगे तो मान के चलना ए पार्ट में अगला जो दो कॉन्सेप्ट रहेगा फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू काफी एसेंशियल है बेनिफिट्स वाला पार्ट बहुत सिंपल रहेगा आई एम श्योर यू विल नोट रियली वेल फटाफट से डिस्कस करके उड़ाएंगे कॉम्पोनेंट्स पे टाइम स्पेंड करेंगे बिकॉज वहां आपका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बेटर होना चाहिए और अगर वो अंडरस्टैंडिंग हुआ तब हम आगे ड्रॉप डाउन करके पार्ट सी डी और नेक्स्ट पार्ट्स पे जा पाएंगे आइडियली ध्यान रखना हर पार्ट में इंपॉर्टेंट चीजें आइडेंटिफाई करते जाना है अभी तक आपने क्या लिखा था ट्रेडिशनल कॉमर्स ई कॉमर्स का डिफरेंस नेक्स्ट चीज जो हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं दैट इज माई बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स क्लियर है बिफोर दैट आई ने एक मस्त चीज लिख करके दिए ये मैं हेडिंग लिखवा भी नहीं सकता सिर्फ तुमको हेडिंग देखने का है मेरे हिसाब से ऐसे चीजों का आप ऑप्शन छोड़ दीजिएगा प्लीज यू वॉन्ट टू रीड दिस वंस प्लीज रीड नो प्लीज वंस प्लीज प्लीज बहुत डिफिकल्ट है मैं बता नहीं पाएगा फटाफट बोल ले जल्दी से स्टेप वन इट्स ऑन पेज ए पॉइंट सेवन अदरवाइज इट्स ओके रीड फ्रॉम देर बहुत ही डिफिकल्ट वैसे भी है एक huh? बार प्लीज बहुत डिफिकल्ट आपको समझा ना हेडिंग क्या है ये एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कैसे होता है वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं बोला था ना आपको ट्वेंटी में लिखा था ये और तब भी मेरे हिसाब से काफी लेट था ओके क्वेश्चन टू यू यू व्हेन डिड मेड योर फर्स्ट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ओके व्हेन डिड यू गाइस मेड योर फर्स्ट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नेवर एथ नाइन्थ एट नहीं थोड़ा ज्यादा जल्दी हो गया यार डोंट टेल मी हमने गूगल पे से एक रुपये भेजा था किसी को वेन यू एक्चुअली बॉट अ प्रोडक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट कैश ऑन डिलीवरी एट नाइन ओके कैन यू टेल मी टू थ्री वेबसाइट विच वर प्रोमिनियट देयर बट हैव क्लोज डाउन नाउ स्नैपडील बंद हो गया नहीं नहीं है ना यार नहीं, नहीं है तो सही यार मतलब अंदर कुछ नहीं होगा पर एनडीटी तो है अभी भी मतलब तुम वैसा बोल रहे खत्म हो गया मेरे हिसाब से हाँ शॉप क्रूज ओ नए नए नाम निकाल कर रखे और सॉरी शॉपिफाई शॉपिफाई तो अभी भी है भाई शॉपिफाई शॉपीफाई बिग इज शॉपीफाई बिग राधर दे हेल्प यू टू क्रिएट प्लेटफॉर्म्स दैट इज बिग एस एच ई वो क्या है शीन अच्छा कि तुम्हारे वन टू वन मार्केटिंग क्या दोनों ने मैं बता रहा हूं तुमको मतलब सिर्फ तुमको ही मालूम ये चीजें फ्रीचार्ज ओके फूड पैंडा ओके यू नो इवन बिफोर जोमैटो एक पूना बेस्ड कंपनी था टेस्टी खाना डॉट कॉम When I was in CA final, 2011 12, that is when they started delivering food online in Pune. Pune based company, later on, if I'm not wrong, acquired by Food Panda. And then I don't know what happened with Food Panda. <laughs> but yeah, tastyhana.com, when I was in 2011 12, CA final, 2012, I wrote my final. So, 11 ending, I still remember people ordering food from there. And I used to be like, एक्चुअली में ऑनलाइन खाना ऑर्डर हो सकता है एंड दिन एप्लीकेशन इट वॉज अ प्योर वेबसाइट वेबसाइट के थ्रू आपको कुछ लिमिटेड रेस्टोरेंट्स उन्होंने कनेक्ट करके रखे थे उनसे आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो आई डी सो टेस्टी खाना डॉट कॉम विच आई रिमेम्बर इन इंडिया प्रॉब्ली वन ऑफ द फर्स्ट वेबसाइट जिन्होंने फूड डिलीवरी करना शुरू किया था बट लेटर ऑन इट वॉज अक्वाइर्ड बाई फूड पैंडा ठीक है यह तो बहुत ही डिफिकल्ट है प्लीज डोंट अप्लाई दिस प्रैक्टिकली है गो टू अ प्लेस नाउ डाउनलोड एप्लीकेशन ये पक्का बता आगे बढ़ जाऊंगा डायरेक्टली सबको आता ना ये चीज अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया चार मार्क के लिए, अरे आ सकता है राइट हाँ एक सेकेंड एक चीज से समझ लो ई आई में सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा होता है द फर्स्ट क्वेश्चन अंडरस्टैंड इन ई आई एस द फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर फाइव मार्क इन एस एम द फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर फाइव मार्क

जहां पर भी कौन बहुत छोटा सा है वो तो नहीं आएगा वो सिर्फ एमसीक्यू में आ सकता है दैट इज अ पोटेंशियल क्वेश्चन मतलब अगर यहां पर स्टेप्स लिखे हैं, मतलब ये अगर क्वेश्चन पूछेगा तो सीधा चार या पांच मार्क के लिए आएगा उसके नीचे आने का स्कोप ही नहीं है एंड द बेस्ट पार्ट इज हर चैप्टर से ऐसा क्वेश्चन देखो हर चैप्टर का वेटेस्ट मार्क्स है समझ लो मेरा बात अब इस चैप्टर में से अगर दो क्वेश्चन अगर हायर साइड में आएगा एक क्वेश्चन ही आ गया चार मार्क के लिए छह मार्क के लिए तो दूसरा वाला कुछ और ही रहेगा मतलब बहुत ही डिफिकल्ट होता है वैसे प्रिडिक्ट करना बट प्रैक्टिकली सोचो तो मुझे मालूम है कि मेरे को किधर फोकस करने का इन एवरी चैप्टर आईडियली इसलिए बोल रहा हूं जो जनरल चीजें रहेगी आप उनको रीड कीजिएगा समझिएगा उधर ज्यादा एम्फोसाइज या स्ट्रेस करने का जरूरत नहीं होगा आपको जहां पर भी मैं बोलूंगा कि यार ये एरिया को बहुत डिटेल में डिस्कस किया इन्होंने देर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दे कैन आस क्यू ए गुड क्वेश्चन वहां आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा ये स्टेप्स मैं ज्यूम कर रहा हूं आप सबको आता है आई एम स्कीपिंग इट कैन डू दैट पक्का

ठीक है वेराइटी अवेलेबल है हमारे पास में ठीक है ओके डिस्काउंट कूपन मिलता है हमको आइडियली पहले बार्गेनिंग करना पड़ता था अभी से मेहनत करने का कौन सा कूपन अप्लाई करने का आइडियली दिस इज इजियर सर वी आर बेटर विद वेब देन पीपल राइट नहीं इट्स पॉसिबल yeah, या या देर आर पीपल दे बिलीव कि मेरे को बार्गेनिंग नहीं करने का यार सामने वाला बहुत इंटिबिडेटिंग है वो परेशान करेगा मेरे को मैं कूपन बहुत ढूंढ लेगा ठीक है ओके एनीथिंग एल्स क्या डिफरेंस है और क्या एडवांटेजेस है वेराइटी हो गया आगे बढ़ो जिंदगी में मेरे पास ई एम आई ऑप्शन बहुत ईजीली आ गए लाइक फॉर एग्जाम्पल एनी ट्रांजेक्शन यू कैन कन्वर्ट दैट इंटू ई एम आई ऑन अ रियल टाइम बेसिस आई होप यू नो दैट राइट बट दे अलाउ इन फिजिकल स्टोर्स ऑल्सो नो वेड नॉट ऑन नॉट ऑन सिंगल प्रोडक्ट हाँ अगर छोटा ओके okay, हाँ बिलो द प्राइस ऑफ थाउजेंड या हाँ देट इज क्रोमा में जाओगे तो बड़ा इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे तुमको देगा ठीक है नॉट बैड हमको फॉरेन ब्रांड्स भी एक्सेसिबल हो गए हैं ठीक बात है डू नो टाटा ऑल्सो एंटरड इन टू दिस टाटा क्लिक एंड टाटा क्लिक लग्जरी मालूम है क्या आपको सेपरेट बिजनेस बनाया है. उन्होंने मस्त चीज सोचा उन्होंने क्या बोला फर्स्ट मूवर नहीं चाहिए हमको मिंत्रा फ्लिपकार्ट खेलने दो उनको जितना खेलने का है कोई आदमी को अगर दस हज़ार का शर्ट खरीदने का है वो एमेजन से नहीं खरीदेगा उसको डर लगेगा फेक आ जाएगा समझ रहे हो क्या मेरे बात अब अगर मैं एक पोर्टल बनाता हूं जहां पे सिर्फ लग्जरी प्रोडक्ट्स ही रहेगा फॉर एग्जाम्पल टाटा क्लिक लग्जरी एंड इफ मैं रॉल फ्लॉन डाल रहा हूँ वहां पे बोबरी डाल रहा हूँ मुझे मालूम है वहां पर सब कुछ एक्सट्रीमली लग्जरी आइटम से बिकेगा प्लस टाटा का नाम है तो आदमी को थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा ऑर्डर करते वक्त कि ये ओरिजिनल आएगा

कम प्राइस वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर है मासेज वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर है कंपेरेटिवली जो बहुत प्रीमियम या बहुत लग्जरी आइटम्स है वहां से खरीदना लोग प्रेफर नहीं करेंगे बिकॉज जब आपने मेरे को आपको बोला भी था इफ यू लुक फॉर अ रोलेक्स वॉच वहां पर आपको हजार से लेकर के दस लाख तक के बहुत आइटम मिलेंगे तो आपको बहुत डर लगेगा कि जो दस लाख वाला है वो भी हजार वाले से एक्सचेंज ना हो जाए यू आर अंडरस्टैंड माई पॉइंट राइट सो यूल ऑलवेज बी कंसर्न वो एक फायदा है मेरे लिए अगर मैं एक अलग से स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म बनाता हूँ तो शायद फायदा हो जाएगा दैट इज ट्रू और बोलो और क्या एडवांटेज है तुम्हारे लिए बहुत फायदे है यार 24 hour access, और कभी भी, 24 का देख ही लेते हैं क्या पर्ना है? चले इतना दूर ड्राइव करके आप जाओगे और अगर वो घटिया निकला और आप परफेक्ट टाइम पे पहुंचोगे जो आपको बहुत भूख लगा होगा यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट

एनीथिंग एल्स और क्या कुछ फायदा है और सॉरी कैंसिलेशन एंड रिफंड हाँ मतलब मेचोरिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म्स रियलाइज कि आपको ये बहुत ही ईजी तरीके से देना पड़ेगा चिक चिक माथाफोड़ी करने का ऑप्शन देना ही नहीं है क्लियरली बहुत ईजी बेसिस पे होना चाहिए एंड फॉर एग्जाम्पल यार एक बात सोचो एयरलाइन टिकट कैंसिल करना बॉज अ टास्क फ्यू ईयर्स बैक यू हैव टू कॉल अ नंबर दे विल कीप यू ऑन होल्ड फॉर थर्टी मिनट्स देन वेन यू आस्क देम आई वॉन्ट टू कैंसिल द टिकट दे लास्ट यू ओके वेट आई नीड टू नो वॉट विल बी ओर कैंसिलेशन चार्जेस फिर वो तुमको फिर दस मिनट डोल बढ़ा लेगा मैं मजाक नहीं करा इट यूज टू बी ए टफ टफ टास्क वन अपन अ टाइम टू डे इफ यू आर लुकिंग एट लॉड ऑफ प्लेटफॉर्म्स लाइक मेक माई ट्रिप इज लिस्टेड कंपनी डी नो दैट नॉट इन इंडिया बाय द वे इट्स अ यूएस लिस्टेड एंटिटी मेक माई ट्रिप इज अटेड कंपनी इन यूएस So, मतलब आपके लिए बहुत आसान है कि अगर मेरे को कोई टिकट कैंसिल करने का मेरे को इमीडिएटली दिखेगा मेरे को कितना पैसा मिलना चाहिए एंड कुछ प्लेटफॉर्म्स आपको ऑलमोस्ट वर्किंग डेज पैसा रिफंड भी करके देते हैं pay, जिस आपने किया होगा. So, you, इसे आपको क्या हो गया यू डोट really really हाँ, मैंने आपको एयरटेल वाला स्टोरी बताया कभी कभी प्रॉब्लम दूसरा भी है ज देर आर सर्टन सिचुएशन इसके लिए आपको कोई ना कोई इंसान का एक्सेस लगेगा सो ये कस्टमर्स बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है पढ़ के फटाफट से उड़ा देते हैं लुकेट द फर्स्ट वर्ड एंड यू विल नो द आंसर कन्वीनियंस कोई एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं है ठीक बात है एक बार पढ़ लो चाहिए तुम यू कैन रीड दिस क्विकलीस्ट टाइम सेविंग मेरे को लग रहा है एक बच्चे ने यही हेडिंग पढ़ पढ़ के आंसर दिया था क्या आपका टाइम सेव होगा एग्जाम्पल देखो सच है e आप लोगों ने परफेक्ट आंसर दिए इजी टू फाइंड रिव्यूज ऊपन एंड डील्स एंड लास्ट पॉइंट नोटबुक्स निकालो फटाफट से जल्दी आई जस्ट वॉन्ट दीज हेडिंग्स अंदर कंटेंट चाहिए ही नहीं मेरे को मिनट तुम्हारे पास आराम से हेडिंग्स को रीड करो शांति से हेडिंग्स लिख लो एटलीस्ट चार हेडिंग्स चाहिए मेरे को बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस सबसे पहले लिखोगे बेनिफिट्स फॉर कस्टमर्स ऑब्वियसली पहले वो तो लिखोगे बेनिफिट्स फॉर कस्टमर्स अंडर दैट एनी फोर पॉइंट्स बेनिफिट्स फॉर कस्टमर्स एनी फोर पॉइंट्स

इंडिया के वेबसाइट से आप गए आपने प्रोडक्ट परचेज किया घर पे डिलीवर हुआ आपको प्रोडक्ट रिटर्न करने का है। अभी प्रोसेस क्या है आपको वेबसाइट ही रिटर्न का रिक्वेस्ट डालना पड़ता है सम वन कम्स टू याउस राइट और अगर आपको लेक्सर साइज में अगर कुछ डिफरेंस चाहिए तो आपको फिर से उनको रिक्वेस्ट डालना पड़ता है कि मेरे को नया साइज का प्रोडक्ट वापस से परचेस करने का इट्स इनकन्वीनियंस राइट इन अदर कंट्रीज इज एक्चुअली वेरी सिंपल वेन यू बाय आपका बिल प्रोडक्ट लेके ले जाओ वहां रिटर्न करो उसके बदले में आप जो दूसरा साइज आपको चाहिए इमिडिएटली लेके चले जाओ इंडिया में अभी भी जो आपका ऑनलाइन वाला प्लेटफॉर्म है एंड जो फिजिकल स्टोर है वो अलग अलग है इन मेजोरिटी ऑफ द बिजनेस एंटिटी सेम आई अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट इफ दे स्ट्रीम लाइन गेट टूगेदर इट विल बिकम एक्सट्रीमली कन्वीनियंट फॉर पीपल और फिर देखना सेल में क्या जंप आएगा ऑनलाइन क्योंकि अभी भी इंसान को क्या लगता है मेरे को जो रिटर्न करने का जो प्रोसेस है स्टोर नियर बाय जस्ट इमेजिन नो फॉर एग्जाम्पल तुमको एक ही स्पेसिफिक ब्रांड का शर्ट पहने का आता है अब देखो तुम उसमें नहीं हो बट आफ्टर सर्टन एज पीपल यू लाइक एक ही शर्ट चाहिए खत्म बात तो अगर मेरे को एक ब्रांड का एक शर्ट पसंद है एक कलर का आइडिया और अगली बार स्टोर में जाऊंगा क्यों जैसे ऑर्डर ऑनलाइन और गलती से प्रॉब्लम हो भी गया और मेरे पास टाइम नहीं भी है स्टोर में जाने का बिल नो यारू अंडस्टैंडिंग माई पॉइंट इससे आपका जो रेकरिंग कस्टमर बेस है वो सिग्निफिकेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा पर अभी भी अगर आपके रेकरिंग कस्टम को डर क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर सेम साइज नहीं आया तो मेरे लिए एक इनकन्वीनियंस क्या है आई हैव टू है रिटर्न रिक्वेस्ट वॉट इफ देर इज अ डिले ऑफ फाइव डेज सेवन डे वगैरह फॉर एक्जाम्पल अच्छा इंडिया में अभी भी कैसा कैसे तुमने टैग कट कर दिया तो रिटर्न नहीं लेता है आई होप योर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट दैट इज एक्चुअली बुलशिट टैग वापस लगता है मशीन होती है आई होप योर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट टैग शुड नॉट बी प्रॉब्लम इफ आई हैव कट द टैग ऑल्सो एंड स्टिल मैंने पहना और टैग कट गया यह टैग टूटा हुआ ही था फॉर एग्जाम्पल डिलीवर्ड हुई प्रोडक्ट इज इन सेम कंडीशन का पूरा पूरा तो लेके जाना यार तो छोटी छोटी चीजें जो मेरे को अभी भी लगता है हमारे ई कॉमर्स वर्ल्ड के अंदर इवॉल्व होना जरूरी है बिकॉज हमारा मार्केट अभी भी बहुत है और जो पोटेंशियल इंडिया के मार्केट में है ना मैं आपको बता रहा हूँ वो पोटेंशियल किधर भी नहीं है बिकॉज हमारा पॉपुलेशन खतरनाक है साइज के अंदर समझ रहे मेरा बात मतलब नेक्स्ट लेवल है इसीलिए बाहर के सारे एंटिटीज को लगता है कि यहां पर चीजों को और सिंप्लीफाई किया जाए लोगों के हिसाब से और चीजों को कन्वीनियंटली बनाया जाए ताकि जम करके कंजम्पशन होगा और होगा मतलब आई एम शॉक्ड इन लास्ट सेवन एट ईयर्स जितना आपका फास्ट फैशन ब्रांड्स इंडिया में पिकअप हुआ मेरे को ऐसा लगता है मैं मजाक नहीं कर रहा है जितना ज्यादा एच एन एम इंडिया में बिकता है ना उतना यूएस में भी नहीं बिकता है तो फैक्ट बता रहे तुमको कोई इज्जत नहीं उधर उनकी सच्ची बता रहा कोई इज्जत नहीं है

इन सर्टन प्रोडक्ट्स मे बी इट इज ऑन अ रियल टाइम बेसिस टू डे लाइक फॉर एक्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया में कंज्यूम ऑन डेली बेसिस होते हैं ऑन अ रियल टाइम बेसिस कुछ नया लॉन्च होगा तो इंडिया में इमीजिएटली कंज्यूम लिया जाएगा तो अगेन हर इंडस्ट्री का अपना पीरियड रहता है बट बॉटम लाइन दिस इज वन थिंग विच आई बिलीव इज एसेंशियल इन इंडिया ऑल दो आई एम श्योर वॉट दे आरस कैड अब पीपल विल ऑर्डर जमके ऑनलाइन कैश ऑन डिलीवरी समझ लो मेरा बात नहीं पसंद आएगा भर भर के वापस अब लाइन लगेगा रिटर्न करने का उट दैट पार्ट दट इज वाई दे विल्यू उनका कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा इसीलिए वो शायद इस चीज को अभी तक एंटरटेन नहीं कर रहे हैं एनी वेज बेनिफिट टू कस्टमर डन कैन यू गो नेक्स्ट बेनिफिट्स टू बिजनेस नथिंग फ्रोम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू यू वार्ट योर ऑन ई कॉमर्स बिजनेस तुम्हारे लिए क्या बेनिफिट है ट्रेडिशनल बिजनेस जल्दी वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स तुम्हारे पास में नए मार्केट में एंटर करना बहुत आसान हो जाएगा और कुछ कॉस्ट कटिंग हाँ ठीक है मतलब आज जो हमने प्रॉफिट इंपैक्ट डिस्कस किया तुम्हारा नया मार्केट में एंट्री होगा वॉल्यूम बढ़ेगा तुम्हारा कॉस्ट बेटर हो पाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर का जरूरत नहीं होगा फॉर एग्जाम्पल क्लाउड किचन यूड वर्ड ऑफ दिस राइट यू आर यूडर गुड कुक गुड शेफ यू नो हाउ टू मेक गुड फूड इट डज नॉट मैटर वेदर यू हैव अ फिजिकल प्लेस और नॉट अगर आपने अच्छा प्रोडक्ट बनाया है लोग कंज्यूम करेंगे घर से इज नो डाउट अबाउट इट ओके एनीथिंग एल्स एम्प्लॉज कम हो जाएंगे मतलब कॉस्ट कम हो जाएगा ठीक है और कुछ क्या, क्या बोला ये डोंट हैव टू एंटरटेन द कस्टमर एंड इज एक्चुअली राइट आर पीपल आई एम नॉट किडिंग और फ्रस्ट्रेटेड धंधा बढ़िया है पैसा भी है तो मेरे को कस्टमर से बात ही नहीं करने का समझ रहे मेरा बात मतलब प्रॉब्लम क्या है अगर मैं मेरे प्रेमाइसिस में फिजिकल प्रेमाइसिस बैठूंगा नहीं तो मेरे को एम्प्लॉय पर कॉन्फिडेंस नहीं है अगर मैं वहां जाके बैठूंगा कोई ना कोई कस्टमर मेरे को परेशान करने आएगा ही आएगा मेरे को मेरे कस्टमर से बात नहीं करने का मैं चाहूंगा वो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म मेरे से कमीशन ले ले पर कस्टमर को वहीं खा जाए क्योंकि मेरे लिए जो पर्सनल सेटिस्फेक्शन है उसका मैं कमीशन दे दूंगा अंडरस्टैंडिंग अपना पर्सनल कन्वीनियंस देख रहा है इट्स एक्चुअली लॉट ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड थिंकिंग लाइक दिस बिकॉज मे बी दे वर डूइंग बिजनेस फॉर लॉट ऑफ ईयर्स एंड दे बिलीव अब उनको अच्छा ग्रोथ मिल गया अच्छा नंबर आ रहा है अगेन इट्स अ पर्सनल चॉइस वेर यू बिलीव मेरे को यह करने के बजाय करने का जरूरत है नॉट बैड ये दिस इज एक्चुअली ट्रू ये बुक में नहीं है लिखना मत एनीथिंग एल्स और क्या लगता है आपको एडवांटेज टू बिजनेस लेस कैपिटल ओकेस कैपिटल यार ये चैलेंजिंग है मतलब मैं इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट कर सकता हूं दिस इज अगेन अ क्वेश्चनेबल सिचुएशन हाँ लेस कैपिटल कब होगा जब तुम खुद का प्लेटफॉर्म बनाने के बजाय किसी और प्लेटफॉर्म में प्रोडक्ट डालते हो तो कोई कैपिटल नहीं है एक दो लोग लगेगा जो आपके लिए प्रोडक्ट का फोटो खींच खींच करके वहां पे पोर्टल पे लिस्टिंग कर सकता है तो कैपिटल कम लगेगा क्वेश्चन ऑन दिस ओनली विल टॉक अबाउट कॉमर्स यू गाइज आर्टिकलशिप सून आई एम होपिंग दैट ठीक है यू शुड बी पॉजिटिव अबाउट इट टूडे सेकंड डे मतलब अबाउट इट आई राइट

इज डेंजरस आई एम नॉट किडिंग और प्रोडक्टिविटी इतना बुरा है मतलब अगर तुम बिजनेस ओनर्स से बात करोगे या पीपल हुग फर्म्स वहां पर अगर डायरेक्टर्स पार्टनर से बात करोगे उनका डर यह है कि अब हर किसी को आदत है वर्क फ्रॉम होम का मना करना भी मुश्किल है क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी वो कन्वीनियंट लगता है यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट बट मैं रेस्पॉन्सिबल हूं उन है।, मतलब, है।, है, no है, मतलब, है कुछ भी मतलब बेसिकली स्टैंडर्ड आंसर सर्वर डाउन नहीं बोल सकते क्योंकि कॉमन सर्वर होता है उसका चल रहा है तो तेरा भी चलना चाहिए इन लॉजिकल ऐसा मत बोल रहा हूँ वो बोल रहा है यार इतना कॉन्स्टेंट एक्सक्यूजेज है इससे प्रॉब्लम पता क्या होता है उस आदमी को तो डर लगता है ऊपर टॉप पे जिंदगी में वो क्या सोचता है ये तो कर नहीं रहे मैं ही कर लेता हूं मतलब वो बोल रहे लिटरली डेलीगेशन के बजाय इट्स अपवर्ड डेलीगेशन मतलब उनसे बात करने के बाद मेजोरिटी काम हमें ही करना पड़ता है मतलब इट हैज बिकम सो कॉमन एंड अकॉर्डिंग टू मी इससे इंसान का इफ यू आर सिटिंग एट होम द एंटायर टाइम एंड वर्किंग फ्रॉम अ डेस्क आई अंडरस्टैंड लॉट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड आर डूइंग दिस

मतलब वॉट आर माई पेरेंट थिंग ऑफ चूजिंग दिस कल आई डोंट अंडरस्टैंड दिस ऐसा मेरे हिसाब से किसी के साथ तो हुआ होगा एटलीस्ट टेन परसेंट पॉपुलेशन आई एम थिंकिंग मतलब सडनली नोटिस थिंग्स विच यू नेवर नोटिस इन लाइफ बिकॉज यू आर सो बोर्ड राइट एंड यूर ब्रेन इज लाइक गिव मी एनी थिंग आई विल द बुक इट इज पॉसिबल सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से उसका एक प्रोडक्टिविटी के ऊपर जो कंसर्न है ना बहुत ही मेजर है बट प्रॉब्लम क्या है ना हर किसी को लगता है वो बहुत कन्वीनियंट है बिकॉज ऑफ ट्रैफिक बिकॉज ऑफ कभी भी उठ सकता हूँ ना मैं

उन्हें डर है क्योंकि उनको क्या लगता है लोगों का हायरिंग जम के किया है इंक्रीमेंट सबको दिया है क्योंकि उन्होंने बोला हम बहुत अच्छे से काम करेंगे एक आता है ना? COVID, जब होती है, तो सबको आपने अच्छा इंक्रीमेंट दिया प्रमोशन दिया और अब आपको क्या लग रहा है वही काम नहीं कर रहे हैं तो मैंने उनके ऊपर मेरा तो इनकर कर लिया है बट मैं सेम रेवेन्यू इज ऑल्सो नॉट स्टैब्लिश मेरे को उधर भी स्ट्रेस आ रहा है तो मतलब अगेन लोडल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग दिस इन इंडिया अकॉर्डिंग टू मी वर्क फ्रॉ होम कल्चर ऐसा परमानेंटली नहीं आने वाला है मैं तुमको बता रहा हूं ऐसा आसान तो नहीं लगता है दस साल के बाद हाउ इफ थिंग्स चेंज इट्स वेरी डिफिकल्ट सेनी बट ये और तुमको भी एक बात बोलता हूं मैं एट दिस एज डोंट थिंक अबाउट इट तुम्हारा असली ग्रोथ तो लोगों के साथ में है बिकॉज देर यू विल एक्चुअली गेट टू लर्न देर आर सर्टन स्किल्स विच नॉट बी टॉट ऑनलाइन विच कैनॉट बी टॉट बाई से लैपटॉप विच कैनॉट बी taught एट होम उट इन दर्ल्ड फॉर एग्जाम्पल ऑफिस का पॉलिटिक्स अरे मजेदार चीज होता है।, उसके, देखो, वो ऐसी चीज़ है तुम बोलेगा मैं दूर रहेगा तो तुमको लोग खींच लेंगे समझे मेरे बात तुम वो करने के लिए जाएगा तो तुम्हारा धुनाई हो जाएगा हंड्रेड परसेंट मतलब दट इज समिंग यू लर्न ओनली विद एक्सपीरियंस इट के नॉट बी टॉट आई के नॉट से पॉलिटिक्स इज दिस गेट टू एक्सपीरियस और होना ही चाहिए तभी इंसान यहां से स्ट्रॉन्ग बनता है तो उसको आगे जाके समझेगा मुझे लोगों को कैसे हैंडल करने का है अदरवाइज हाउ विल यू ग्रो विद टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं जाएगा मैनेजिंग पीपल विल बिकम इक्वली इंपॉर्टेंट एनी वेज बेनिटिविकली कम दे फटाफट से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं लेट मी मार्क यू लेट स्टार्ट विदर्ट वन डू यू ऑल अग्री विद इंक्रीज कस्टमर बेस एंड आई विल सेम पॉइंट पे उन्होंने तीन पॉइंट लिखे हैं. यही चीज को और लिखा है इधर

increased customer base, either by creation of new markets, increased customer base, either by creation of new markets. or or किसका आलम था वो? बोन साइलेंट प्रकोण, इतना खुश होने का ज़रूरत नहीं है. or or easily entering into अभी ज्यादा हो रहा है easily entering into new markets या तो आप कुछ मार्केट्स क्रिएट कर लोगे खुद से या कोई मार्केट्स ऑलरेडी क्रिएटेड रहेगा पर तुम उसमें इजीली क्या कर पाएगा एंटर कर पाएगा फॉर एग्जांपल इफ यू आस्क मी लग्जरी ब्रांड का मार्केट टाटा ने क्रिएट किया है इंडिया में लोग कंफर्टेबल नहीं थे लग्जरी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन खरीदने में आई एम टेलिंग यू टे पॉसिबल नहीं है आई नो अफ पीपल आईडियली नहीं है हमको हमेशा फियर कि एक्चुअली में सही से आएगा कि नहीं आएगा तो उन्होंने नया मार्केट ही क्रिएट किया बट सुनो उन्होंने ऐसा नहीं बोलो ना सिर्फ लग्जरी प्रोडक्ट बेचेंगे उन्होंने टाटा क्लिक अलग बनाया टाटा क्लिक लग्जरी अलग बनाया स्मार्ट तरीके से बिकॉज दे नो एक्सिस्टिंग मार्केट में भी मेरे को शेयर चाहिए और नया मार्केट में क्रिएट कर सकता है मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा यार समझ रहे हो मेरा बात तो मैं किसी भी तरीके से दीज आर डिफरेंट स्ट्रेटेजी विच आई कैन चूज क्या पॉइंट नंबर वन लॉजिकल लगता है आगे बढ़े चलो अनदर बेनिफिट इधर आओ रीड दिस पॉइंट रेकरिंग पेमेंट मेड इजी जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन अगर ये सब्सक्रिप्शन मॉडल नहीं होता जैसे केबल वाले भैया मंथ ऑन मंथ पैसा कलेक्ट करने के लिए आते थे नेटफ्लिक्स ग्लोबली कभी बन नहीं पाता

बट मे बी वन डे टू ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग प्यूअर ला शान थे तुम दिमाग से पता ही नहीं तुमको नींद नहीं आ रहा है रहे। तुमने कोई प्रोडक्ट देखा तुमको लगा नहीं है तो जिंदगी में यूज करेगा करेगा मैं खरीद लिया ला कर रख दिया दो महीने का कभी यूज नहीं किया जिंदगी में यू मैंड अ बाइंग थिंग्स राइट लाइक देर आर सर्टन प्रोडक्ट यू मैं बाइंग थे बिकॉज इमिजिएट पेमेंट करने का ऑप्शन है अगर यही चीज है सुबह तुम नौ बजे उठकर सोचे तो बोलेगा नहीं मेरे को जरूरत नहीं है फॉर एग्जाम्पल तुमने कभी जिंदगी में वर्कआउट नहीं किया तुमने अच्छा एग्जाम्पल अभी अभिषेक सर समझ रहे हो मेरा बात लेट्स से कैन एग्जाम्पल समझ रहे हो तो फॉर एग्जाम्पल मैं सर को बोला सर सा, मैंने साइकिल खरीदा मैं साइकिल चलाना शुरू किया सर बोले ओह अच्छा आइडिया मुझे भी साइकिल चाहिए टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट अब अगर उनको रात को 11 बजे या 12 बजे ऑप्शन दिया होगा कि ये मल्टीपल साइकिल के ऑप्शन है उनको लगा होगा ये बढ़िया है उन्होंने से उन्होंने ऑनलाइन नहीं खरीदा बट एग्जाम्पल समझो इफ यू वुड हैव बॉट इट आज का सीन देखो मतलब उन्होंने पहले दिन साइकिल चलाया था एक किलोमीटर मतलब मैं मेरे घर से दस किलोमीटर आया था उन्होंने एक किलोमीटर चलाया था सच बताओ उन्होंने तुमको क्या बताया? रियलिटी मेरे को नहीं मालूम है। उसका उन्होंने सर्विसिंग करा लिया तो मैं सर को सर को समझाया, आप कॉस्टिंग पढ़ाते मोर <laughs> <than> <laughs> मतलब इन सिंपल टर्म्स बॉटम लाइन इज बी रेलिवेंट मतलब कुछ साल के लिए तो,

बिकॉज ऑफ ई ईज ऑफ पेमेंट आप इमीजिएटली वो ट्रांजेक्शन क्लोज कर दोगे दैट इज अनदर एडवांटेज इज दैट क्लियर टू यू एक चीज और भी बोलता हूं आपको मैं दिस इज वन साइकोलॉजी एटलीस्ट विच आई एक्सपीरियंसड अगर आप कोई एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए जा रहे हो कोई कपड़ा खरीदने के लिए जा रहे हो इट्स ए हजार रुपये का है एग्जाम्पल पाँच हजार रुपये जब आप कैश में पे करते हो ना बहुत दर्द होता है

आई नो अगर मेरे पास कैश नहीं भी है आई है कार्ड विच आई यूज टू मेक द पेमेंट आईडी ली लिमिट है मेरे पास में अगर आई डी ली तो इन सिंपल टर्म्स बहुत सारा ऐसा एक्सेसिव स्पेंडिंग ये concept, if you really ask me, सबसे बढ़िया तरीके से एक ही कंट्री ने यूज किया बार बार उसका एग्जाम्पल देता हूँ बिकॉज दूसरा कंट्री उसे कॉपी कर रहा है यूएस उन्होंने लोगों को इतना क्रेडिट कार्ड दिया इतना क्रेडिट कार्ड दिया मैं मजाक नहीं कर रहा है कोई भी स्टोर में जाऊँ एयरलेन का टिकट ले रहे हो ना एयरलाइन का भी क्रेडिट कार्ड है यूनाइटेड एयरलाइन उसका भी क्रेडिट कार्ड है गो डू फिजिकल स्टोर जैसे हमारे पास यहाँ पे जारा है जारा का भी क्रेडिट कार्ड है एच एन एम उसका एवरी ब्रांड एज ओन क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इज इश्यूड टू यू ओवर द काउंटर मतलब यू टुक फाइव प्रोडक्ट यूर स्टैंडिंग इन द लाइन टू मेक द पेमेंट तुम लाइन में खेड़ो तुम्हारा नंबर आएगा वो तुमसे खुद पूछेगा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है डू यू है नहीं ओ वीवर गोइंग ऑन इफ यू अपलाई फॉर अ क्रेडिट कार्ड विल गिव यू ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट फर्स्ट परचेस अब इंसान समझ रहे मेरे बात इन इट्स मतलब वहां पे क्रेडिट कार्ड बाय पोस्ट लोगों के घर पे आते मतलब एनी ओपन और पोस्ट का डब्बा आप कैसे क्रेडिट कार्ड से निकलेंगे मैं एग्जेजरेट नहीं कर रहा हूं इट्स अ फैक्ट एक्टिवेट करना कि करना तुम्हारे ऊपर है एंड द क्रेडिट कार्ड इज गिवन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ वन थिंगथिंग सोशल सिक्योरिटी नंबर लाइक वी हैव आधार कार्ड समथिंग ऑल ए सोशल सिक्योरिटी नंबर जिससे आपका सैलरी कॉम्पोनेट टैक्स पाला पाट सब कुछ इंटरकनेक्टेड है यू एंटर योर सोशल सिक्योरिटी नंबर दे विल सी योर क्रेडिट बर्थिनेस का इनकम मंथली बेसिस पे इतना है आपका होम का ई एम आई जो आप पे कर रहे हो वो कितना है आपको अमाउंट पंच करना पड़ता है वो देखिएगा क्लियरली तुम्हारे पास में प्री कैश इन हैंड मंथली बेसिस पे कितना आता है ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड कौन कौन से है उसको दिखेगा वहां पे स्क्रीन के ऊपर एलिजिबल तो है कि नहीं है तुम तो अगर एलिजिबल है सामने वाला ओके करेगा डॉल में से क्रेडिट कार्ड निकालेगा उस तरह को दे देगा दैट इज हाउ क्रेडिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड बिकॉज ऑफ विच बिकॉज आपको क्रेडिट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है एंड अगर मैं पूरे कंट्री में बांटना शुरू कर दूं तो सोचो हर कोई इंसान वो कंज्यूम करने का ट्राई करेगा तो शायद वो आज अफोर्ड नहीं कर सकता है पर मंथ एंड पे कर पाएगा इससे एज अ कंट्री मेरा जो कंजम्पन है वो अननेसेसरीली मल्टीपल फोल्ड बढ़ जाता है एंड देन दिस बिकम्स अ हैबिट एंड दिस बिकम्स अ कल्चर मैं आपको बता रहा है ये उन्होंने बहुत स्मार्ट तरीके से डेवलप किया द ओनली थिंग इज द इकोनॉमी इज टू स्ट्रॉग एंड हैवीली डिपेंडेड ऑन सच ऑर्गेनाइजेशन जहां पर उनके पास में ग्लोबल इन्फ्लुएंस बहुत है तो उनको ये डर नहीं हम डूब जाएंगे बट हालांकि लोग ये बोलते हैं अगर दुनिया में नेक्स्ट कोई बहुत बड़ा फॉल अगर आएगा इट विल बी बिकॉज ऑफ क्रेडिट कार्ड बबल एक्सेसिव कंजन होता है उस कंट्री के अंदर तो डिजिटल पेमेंट्स हम तो बहुत smart तरीके से अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने उसका बहुत एक्सप्लोइेशन किया है मॉडल yes, बहुत ईजीली वर्क कर सकता है इसीलिए एज ए कॉमर्स बिजनेस मुझे स्ट्रेस नहीं है कि मेरे को पैसा कलेक्ट करने के लिए बार बार मेरे कस्टमर को परेशान करना पड़ेगा मेरे लिए भी कन्वीनियंट होगा कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा इज इस टू यू नेक्स्ट ये वर्ड इंसेंट ट्रांजेक्शन कैन मेक अ पेमेंट ऑन अ रियल टाइम बेसिस इट इज नो सच कि यार सर शाम को छह बजे का पेमेंट नहीं कर सकते हो रात को दो बजे नहीं कर सकते हो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ओल्ड बी विलकम टू यू एंड यू कैन मेक अ पेमेंट आपको दोनों पॉइंट समझ में आया नोटबुक्स बेनिफिट नंबर टू आपको कुछ बेनिफिट लिखा के देता हूं मैं बेनिफिट नंबर टू इन ई कॉमर्स वर्ल्ड रेकरिंग पेमेंट्स Recurring payments can be made, recurring payments can be made easily, which helps an e commerce business, which helps an e commerce business. to scale their operations helps an e-commerce business to scale their operations without incurring scale their operations without incurring heavy administrative cost without incurring heavy administrative cost क्स्ट पॉइंट नंबर थ्री इंप्रूवमेंट इन एफिशियंसी इंप्रूवमेंट इन एफिशियंसी यह सेम आपका प्रॉफिट इंपैक्ट वाला पॉइंट है यार क्योंकि आपका मेजोरिटी ऑपरेशन स्ट्रीम लाइन है पूरा का पूरा तो आपको मालूम है अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे भी प्रोसेस सेम फॉलो करने का मेरे को जितना वॉल्यूम बढ़ते जाएगा मेरा कॉस्ट पर यूनिट और कम होते जाएगा से आपका इनपुट आउटपुट है कम से कम इनपुट में बेस्ट पॉसिबल आउटपुट एफिशिएंसी का मतलब कम होते जाना चाहिए? तो मेरा एफिशिएंसी इंप्रूव कब होगा जब मेरा वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और मेरा ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या सर्विस प्रोवाइड करने का कॉस्ट पर यूनिट क्या होते जा रहा है कम होते जा रहा है तो मेरे लिए बेनिफिट मेरा मार्जिन क्या होते जाएगा बढ़ते जाएगा आई गेट टू साइड बेनिफिट वॉल्यूम का फायदा भी मिल रहा है मेरे को और मेरा जो इंडिपेंडेंट एक यूनिट पे मार्जिन जो है वो भी बढ़ते जा रहा है बेस्ट पॉसिबल होता है कोई भी स्टार्टअप यही बोलता है मैं इस स्केल पे लेके जाएगा और उस स्केल को सस्टेन करेगा कि मेरा कॉस्ट इतना कम हो जाएगा कि मेरा मेरे से कंपीट नहीं कर पाएगा war, कि वाला भी करेगा ना तो भी मेरे से मैच नहीं कर पाएगा प्राइस को बट ओनली क्वेश्चन इज कैन यू मेंटेन द क्वालिटी एट दैट वॉल्यूम सी योर क्वालिटी कैन बी ब्रिलियंट वेन इट कम्स टू हंड्रेड कैन यू मेंटेन द सेम क्वालिटी वेन इट कम्स टू दिन थाउजेंड वेन इट कम्स टू वन लैक आईडियली तो आपको यह देखना पड़ेगा बिकॉज अगर आप वो कर सकते हो तो शायद हंड्रेड परसेंट आपको यह बेनिफिट लॉन्गर रन के अंदर बहुत सिग्निफिकेंट तरीके से मिलेगा एफिशियंसी इंप्रूवमेंट आगे डैश करके लिखो इन ई कॉमर्स वर्ल्ड इन ई कॉमर्स वर्ल्ड there is reduction in there is reduction in time to complete a transaction reduction in time to complete a transaction comma reduction in inventory levels to be maintained reduction in inventory levels to be maintained comma reduction in reduction in availability of right information reduction in availability of reduction in non availability of Reduction in non availability of right information and significant reduction in mechanical errors. Significant reduction in mechanical errors. Significant reduction in mechanical errors. In mechanical errors. Helping Helping an organization. Helping an organization in improving their overall efficiency. Helping an organization in improving their overall efficiency. Helping an organization in improving their overall efficiency. Basically simple Chair. आपको ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम हर चीज को कॉस्ट के टर्म्स में रिड्यूस करने में हेल्प करेगा एफर्ट्स के टर्म में रिड्यूस करने में हेल्प करेगा फॉर एग्जाम्पल जब आप कम वॉल्यूम पे थे आपको डर क्या था मेरा कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो मैं क्या करूंगा जो बेस्ट एक्सप्रेस डिलीवरी वाला चीज है उसको ऑप्ट नहीं करूंगा आई स्टार्ट विद सेवन वर्किंग डेज में डिलीवर कर दू जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा मैं जो डिलीवर करने वाला कंपनी उससे बेटर बार्गेनिंग कर पाएगा कि तू मुझे अभी एक्सप्रेस सर्विस प्रोवाइड कर एट द लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट तो so, इन सिंपल टर्म्स धीरे धीरे प्रोसेस इतना स्ट्रीमलाइन होते जाएगा विद वॉल्यूम दैट ओवरऑल आपके लिए हर तरीके से कॉस्ट रिड्यूस होते जाएगा एंड मेन चीज क्या है यार कि मेरा ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट्स एंड एक्सपेंसेस कम होना चाहिए ताकि मेरा ओवरऑल मार्जिन को धीरे धीरे फायदा होगा एक कॉन्सेप्ट है वो टी क्यू एम सुना क्या कभी आपके सिलेबस में नहीं है जैपनीज वर्ड कॉल दिस टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या बोलते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिर्फ रेफरेंस के लिए बता रहा हूं कभी टाइम मिलेगा तो पढ़ना है इसके बारे में लेटर लेट रॉन वी क्यू एम वो बोलता है अगर तेरे को एक बिजनेस के अंदर सिग्निफिकेंट मार्जिन के अंदर ग्रोथ चाहिए एक ही तरीका है ये जैपनीज थियरी है दे बिलीव सिर्फ मेरे प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट को बनाने का पांच स्टेप्स है मतलब रॉ मटेरियल प्रोक्योर करता हूं रॉ मटेरियल को मैं पहले क्लीन अप करके यूजेबल क्वालिटी में लेके आता हूं फिर उसको प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाता हूं फिनिश गुड्स को फिर मैं थोड़ा मार्किंग वगैरह करके मार्केटिंग करके डब्बे को तैयार करता हूं पैकेजिंग करता हूं एंड देन आई डिलीवर द गुड्स मल्टीपल स्टेप्स है ये बोल रहा है क्वालिटी सिर्फ रॉ मटेरियल का अच्छे अच्छा होने से कुछ नहीं होगा इफ यू रियली वॉन्ट योर मार्जिन आपको क्वालिटी पे एम्फोसाइज करना पड़ेगा एट एवरी स्टेज सो इफ योर क्वालिटी इंप्रूव क्वालिटी नॉट जस्ट ऑफ पीपल क्वालिटी नॉट जस्ट ऑफ रॉ मटेरियल क्वालिटी नॉट जस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी क्वालिटी नॉट जस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी ऑफ एवरीथिंग अगर आप एक्चुअली में हर छोटी चीज को ब्रेक करके उसको इंडिपेंडेंटली इंप्रूव करोगे ना तो आपको एक्चुअली में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा देर आर कंसल्टिंग फॉर्म जिनका काम ही एक होता है आई गिव एन एग्जाम्पल एज्यूम सिंपनी है एक्सवाइजेड लेटमी एक्सप्लेन यू हाउ द वर्ल्ड वर्क जस्ट फॉर ये कंपनी है एक्सवाइजेड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है सिग्निफिकेंटली एडवर्टाइजिंग किया वॉल्यूम में x से 10x जंप आ गया अच्छा वॉल्यूम बढ़ गया सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है जब आपका ग्रोथ ना सिग्निफिकेंट x से 10x होता है ना आपको मालूम नहीं होता क्या करना होता है आप हायरिंग भी पागल जैसे करते हो खर्च भी पागल बिकॉज आपको समझ ही नहीं रहा हो क्या रहे थिंग्स विल गो आउट ऑफ योर कंट्रोल चाहे तुम कितना भी ब्रिलियंट इंसान रहे प्रॉब्लम तुम्हारा नहीं है प्रॉब्लम यह ग्रोथ का है क्योंकि आपने आज तक x को अच्छे से डील किया था सडनली जब 10x होगा तो आपको पता नहीं चलेगा मुझे इमीजिएटली अडेप्ट कैसे करना चाहिए आई यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट और सडनली एट द एंड ऑफ द ईयर इन यूल सी यू नंबर रेवेन्यू तो बहुत जम्प हुआ और जो मेरा खर्चा एट ऑल डिफरेंट लेवल्स इनफिशियंसी एट ऑल लेवल्स वो बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ गए तुम बता क्या करते हो दो टाइप के इंसान है पहला इंसान क्या बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता है आई विल टेक केयर ऑफ दिस नेक्स्ट ईयर जो अपने ईगो भी लेता है इट कैन वर्क इट कैन नॉट वर्क द अदर पर्सन फर्स्ट थिंग विल इज एक्सेप्ट दिस हैपेंड और वो जाएगा कंसल्टिंग फॉर्म के पास इसके पास जाएगा योर बीसीजी मैकेंजी डेलॉयट कंसल्टिंग उसको लेके आएगा एक पार्टनर को बुलाएगा और बोलेगा ये मेरा बिजनेस है तूने ऐसे सिमिलर नेचर के 50 बिजनेस देखे होंगे मेरा स्केल 1x से 10x हुआ सडनली चीजें आउट ऑफ कंट्रोल चली गई

बहुत एसेंशियल है और वो फर्म पता है क्या करता है सिंपल बात बोलता है कंसल्टिंग फर्म वो अपने उन लोगों को भेजेगा जिसके पास में उस इंडस्ट्री का ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा दैट इज देयर जॉब और वो खुले बोलेगा तेरे को मैं तेरे को टेन एक्स में स्टेबिलाईज करके देगा तू मेरे को फिक्स अमाउंट इतना देगा और वेरिएबल इतना देगा वो सिर्फ फिक्स से नहीं मानेगा ध्यान रखना मेरा बात और जो अच्छा आदमी फिक्स में मान गया वो तेरे कोई गारंटी नहीं है वो तेरे लिए एडिशनल एक्सपेंस बन जाएगा

अब तू तो ये इन्वेस्ट कर अगले कंसल्टिंग में मैं तेरे को एक कंसल्टिंग और दूंगा जिससे मैं तेरे को यहां से यहां लेके जाऊंगा जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन डेलॉइट ग्लोबल ब्रांड वॉट इज देयर रेवेन्यू ग्लोबली सर्विस प्रोवाइड करने वाला फर्म का बात कर रहा हूं मैं क्या रेवेन्यू रहेगा ग्लोबल हेट फिफ्टी बिलियन डॉलर लास्ट ईयर फिफ्टी बिलियन डॉलर लास्ट ईयर एंड मोर देन सिक्सटी फ्रॉम कंसल्टिंग नॉट फ्रॉम ऑडिटिंग नॉट फ्रॉम एडवाइजरी नॉट फ्रॉम टैक्सेशन प्योअरली कंसल्टिंग यू वॉज इन कंसल्टिंग इज वेरिएट डू दैट रेवेन्यू का दो परसेंट रेवेन्यू बढ़ना जरूरी हो जाएगा फिर आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट और वो इंडिपेंडेंस के भी अगेंस्ट चले जाएगा वो अलग चीज है विल गो वेरिएबल का गेम है पूरा का पूरा एंड इंडिया इज यू हिट कंसल्टिंग हमेशा अंडरस्टैंडिंग बार बार बात बोलता हूं हमारे कंसल्टिंग मतलब जिसको हम जानते कॉल करेंगे और उसका ऑब्लिगेशन उसको बताना पड़ेगा क्योंकि हम उसको जानते हैं इसलिए हमारे कंट्री में कंपनीज को भी कंसल्टेंट को पैसा देने का आदत नहीं है बट वेन द ग्लोबल मनी स्टार्टेड फ्लोइंग इन आर कंट्री अब पैसा हमारा नहीं है ना अब पैसा कहां से आ रहा है इन्वेस्टर से आ रहे हैं तो अब मेरे को क्या लगता है उनको आदत है कंसल्टेंट का तो हमको भी आदत होना चाहिए अब कंसल्टिंग पिकअ पूरा इंडिया में आई होप अंडरस्टैंडिंग पॉइंट रादर इसीलिए आपने सुना होगा ईवाई उन्होंने स्प्लिट कर दिया उन्होंने बोला कंसल्टिंग बिजनेस अलग ई वाई अलग

और अगर आप वो करके देंगे उनको तो आइडियली आपको सिग्निफिकेंट पैसा एनी वेज कम बैक हम कहा थे ई कॉमर्स बिजनेस को क्या फायदा मिलेगा कितने पॉइंट लिखे आप लोगों ने कौन कौन सा पॉइंट लिखा बोलो ठीक है अभी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट लिखने का ना अपने को आइडियली अरे एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट लिखना है ना आपने वो वर्ड लिखा होगा ना डैश करके लिख लिया गया ऑलरेडी रिडक्शन इन टाइम सब कुछ हो गया आईडियल अच्छा आई वॉज एक्सप्लेनिंग यू टीक्यू एम ये पता है क्या ओल्ड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के सिलेबस में था उन्होंने निकाल दिया तो जैपनीस टेक्निक्स है I'll give you the names, जब six sigma. उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी है मुंबई डब्बा वाला मतलब सिक्स सिग्मा का मतलब है मेरे बिजनेस का प्रोसेस इतना ब्रिलियंट हो गया इतना ब्रिलियंट कि मतलब मैं अगर वन मिलियन

इरफान खान का मूवी था लंच बॉक्स देखा है क्या अ गुड मूवी स्लो मे बी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट या जो जैसा मूवीज आज की तारीख में आ रहा है उसके हिसाब से तो काफी स्लो है बट अ गुड वन आई डेली तो मुंबई डब्बा वाला के लिए रूमर आया था बट इनका प्रोसेस इतना ब्रिलियंट है विदाउट एनी टेक्नोलॉजी द यूज ओनली चौकस द यूज ओनली डिफरेंट कलर ऑफ चॉक्स बट स्टिल राइट डब्बा रीचेज राइट पर्सन इन बॉम्बे एवरी डे इट गेट्स कलेक्टेड फ्रॉम द हाउस एंड इट रीच द राइट पर्सन जस्ट इमेजिन इन बॉम्बे एंड इट ट्रेवल्स बाई लोकल ट्रेन इर ऑफ क्या बारिश आ रहा है वहां पे बॉम्बे आपको मालूम है ना हर साल में खबर सुनते हैं इन जनरल इट्स वेरी कॉमन मतलब कुछ भी हो जाए बट राइट डब्बा रीच ए राइट पर्सन ऑब्वियसली एक बार जब गलत डब्बा पहुंचता है मूवी बन जाता है लंच बॉक्स मूवीज अबाउट दून ली ओके आई टोल्डर मूवी देख के फायदा नहीं है तुम्हारा भी बट मुंबई डब्बा वाला इज फेमस फॉर सिक्स दीज ऑल आर अबाउट इफिशियंसी इंप्रूवमेंट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हो गया सिक्स हो गया एक कॉन्सेप्ट और बीसी के भी था बेंच मार्किंग सिलेबस में है, करके है एक बीपीआर बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग क्या वर्ड है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग ये बीपीआर और बेंच मार्किंग आपके सिलेबस में है

ठीक है अभी के लिए कैन यू गो नेक्स्ट कितने पॉइंट लिखे आपने तीन पॉइंट लिखे चलो एक पॉइंट और लिखो नंबर फोर बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स ये उनके लिए एडवांटेज नहीं है एक तरीके से स्ट्रेस है बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स दे आर फोर्स नो अब फॉर एक्साम्पल आपको एक सेम स्टैंडर्ड और डिसेंट क्वालिटी का प्रोडक्ट बना के बेचना ही पड़ेगा बिकॉज नाउ पीपल कैन कंपेयर इजिली तो एक तरीके से वो पॉजिटिव क्यों बोल रहा है कि एक बिजनेस का प्रोडक्ट क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगा इन कॉम्पिटिशन नाउ दे नो रियली वेल देर आर सेट स्टैंडर्स हमको बेर मिनिमम ये मैच करना पड़ेगा तो ही मेरा प्रोडक्ट बिकेगा वरना प्रोडक्ट नहीं बिकेगा ठीक है दैट इज योर बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कितना हो गया एक पॉइंट ऑल लिख दो लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट Of e commerce to a business, of e commerce to a business is that it allows to a business is that it allows an instant transaction, an instant transaction. This may help. This may help in cracking more deals. This may help in cracking more deals in comparison to a traditional payment system. More deals in comparison to a traditional payment system. ट्रेडिशनल पेमेंट सिस्टम अब हम इससे बहुत आगे आ गए एक एग्जाम्पल देता हूं आप एयरपोर्ट पे हो फ्लाइट के लिए वेट करो चार घंटे के लिए आपको मालूम रहेगा बहुत सारा ऐसा छोटा तो छोटा मिनी स्टोर्स लगा के बैठा रहता है कोई वर्किंग वे डिफरेंट एनजीओ एन ऑल आप वो कन्विंस करने का ट्राई करते हैं और वो ट्राई करता है डोनेशन अगर कर पे करना तो अभी कभी पे करने का है एंड आई कैन हेल्प यू टू मेकिंग एन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन राइट अवे बेसिकली उसको मालूम है तुम एक बार यहां से गया अभी तुम उसके इन्फ्लुएंस में तुम्हें मैं कन्विंस कर सकता हूं पे करने के लिए डू यू गेट माई पॉइंट एंड देर आर सम पीपल हु एंड ऑफ डूइंग दैट ऑल्सो बिकॉज यू नो यू आर लिसनिंग टू समन समन इज ट्राइंग टू रियली कन्विंस यू दैट दिस इज द राइट थिंग फॉर यू या तुम्हारे हिसाब से ये बेस्ट चीज रहेगा एंड यू मे एंड डूइंग दैट इसीलिए आपको मालूम रहेगा एयरपोर्ट पर भी बहुत सारा स्टोर्स रहता है एयरपोर्ट पर स्टोर्स रहता है क्यों रहता है यू आर फ्री टाइम एंड यू आर लॉड ऑफ मनी पॉकेट डू यू गेट माई पॉइंट वन इट इज प्रेजेंटेड इन अ ब्यूटिफुल मैनर एंड देर आर पीपल हु आर ट्राइंग टू कन्विंस यू यू मे एंड बाइंग समथिंग दे डोंट नीड टू एक्चुअली हैव अ स्टोर देयर मतलब उनका फिजिकल प्रेजेंस सब जगह रहेगा उस शहर के अंदर पर उनको लगता है वहां पर भी दूसरा एग्जांपल अभी पैराडाइज बिरयानी आपने सुना है क्या हैदराबाद में बहुत फेमस है या कुछ हर शहर का कुछ ना कुछ फेमस होता है ना यार बिस्किट फेमस हो गया बिरयानी फेमस हो गया उनको रियलाइज हुआ बहुत सारा लोग पैराडाइज बिरयानी अपने फ्रेंड्स लोगों के लिए फ्लाइट से लेके जाते हैं तो उन्होंने एक स्टोर एयरपोर्ट भी खोल दिया कि तेरे को वहां से एयरपोर्ट तक भी क्यों लेके जाना है मैं फ्रेश बैच एयरपोर्ट तक भेजेगा ही ना तो वहीं से लेके चले जा अब अगर लेट से तेरे को पता भी नहीं था ऐसा है पर तू वहां पे है और तेरे को मालूम है कोई तो तेरे को परेशान करते रहता है paradise, paradise, paradise. तेरे को वो दिख रहा है ये बहुत आसान है पे करना बहुत आसान है कलेक्ट करना गेट माय पॉइंट इवन इफ यू कैश इट्स फाइन सो एम जस्ट ट्राइंग टू से इंस्टेंट ट्रांजेक्शन इन लॉट ऑफ कन्वीनियंस वॉट वी ऑल सी एंड ओवरऑल बिजनेस करने का मैकेनिज्म थोड़ा इंप्रूव हो गया है so बेनिफिट्स टू कस्टमर बेनिफिट्स टू बिजनेस दो मिनट स्पेंड करके पढ़ लो खत्म हो गया फटाफट फड़ से विल गो द लास्ट पार्ट डन अब जो आई से है पूछ सकता आपसे एग्जाम में बेनिफिट्स टू गवर्नमेंट क्या बेनिफिट है आपको लगता है इन्होंने भी दो ही लिखे डोंट ओवर थिंक जस्ट थिंक अबाउट दीज टू वर्ड्स इनके हिसाब से फर्स्ट पॉइंट डू यू अग्री विथ इट नहीं स एंड नो टू सम अगर आप बिगर पिक्चर देखोगे लोगों को अगर ऑनलाइन पेमेंट करने की आदत पड़ जाएगा तो थोड़ा तो एटलीस्ट कैश कॉम्पोनेंट कम होना शुरू होगा लिटिल बिट एटलीस्ट डू यू अग्री विथ डेट और नॉट अगर स्लोली स्लोली ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट मेकिंग इट कंपल्सरी टू मेक पेमेंट ऑनलाइन टू यू गेट माई अपॉइंट और अगर किसी को ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा तो उसको एक्चुअली में एक नंबर का इनकम दिखाना पड़ेगा तो उसको अपना भी बहुत सारा इनकम एक नंबर में लेना पड़ेगा लॉजिकल नहीं है इट्स अ मैकेनिज्म विच ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन हेल्प यू कान से दिस विल चेंज इन फाइव इन नो इफ दिस बिकम्स नॉर्मल फॉर एक्स ट्वेंटी सी सिग्निफिकेंट चेंज अदरवाइज नहीं होगा मतलब दिस कैनोट हैपन इन वन ईयर टू ईयर फाइव ईयर पांच साल भी बहुत इनसफिशेंट है एक्साम्पल बोलता तुमको मैं तुमको होटल के लिए पेमेंट करने का यू स्टेट इन होटल यू टू पे लाख रुपीज फॉर एक्साम्पल ठीक है कैश में पे कर सकते हो क्या तुमको होटल पेमेंट करना है क्या पांच लाख रुपए कर सकते हो क्या कैश पेमेंट पहले हर भर, भर के एक्सेप्ट होता था अभी डर लगता है मेजोरिटी इफ इट्स ताज मैरियड दे विल से नो दैट्स इट क्योंकि उस एम्प्लॉय को डर लगता है आई होप आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट उसके लिए डिफरेंट रूल्स है उसको मालूम है मैंने एक भी जंप किया एल बी आउट

इट्स बेटर टू टेक दैट इनकम ऑल्सो इन माई अकाउंट इट बिकॉज़ आई एम गोइंग टू नीड दैट मनी इन माई अकाउंट अर्लियर दैट नीड ऑफ स्पेंडिंग इन कैश वॉज इजी एंड दैट वॉज मोर धीरे धीरे वो साइकिल चेंज हो सकता है अगर ये पूरा हैबिट डेवलप होता है ये कल्चर डेवलप होता है पूरे कंट्री के अंदर और उनको लगता है लॉजिकली इससे पूरा ट्रेल जो है आपने सुना ट्रेल ट्रेल मतलब पाथ ट्रांजेक्शन को ट्रेस कर सकते हो स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा का पूरा वो ट्रेल होना शुरू हो जाएगा इवन जो जीएसटी डिपार्टमेंट है वो भी एक तरीके से वही ट्राई कर रहा है है कि जो स्टार्ट है, वहां से उसको ट्रैक करना शुरू किया जाए इफ इट कैन बी ट्रेस फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड कंजम्पशन तो कहीं पर भी टैक्स अवॉइड करने का मैकेनिज्म कंपैरेटिवली रिड्यूस किया जा सकता है इन लाइन विद द विदर्नमेंट विजन ई कॉमर्स प्रोवाइड्स अ इंपॉर्टेंट हैंड टू फाइट करप्शन दैट्स इट दे आर नॉट एक्सप्लेनिंग एनीथिंग होप यूरस्टैंडिंग नंबर टू डू यू अग्री विद रिडक्शन इन यूज ऑफ इकोलॉजिकली डैमेजिंग मटीरियल मतलब आपको बहुत सारे प्रिंट निकालने का जरूरत नहीं है हर का जो निकालते थे। पेपर जो वेस्टेज हो रहा था सिग्निफिकेंटली या प्लास्टिक का जो कंजम्पन बहुत ज्यादा था वो थोड़ा कंपेरेटिवली क्या हो जाएगा कम हो जाएगा बिकॉज अब आप कंट्रोल ना पर्सन की बजाय ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हो वो क्या बोलेगा अब मैं सिस्टम लगाऊंगा जिससे ऑनलाइन ई मेल चले जाएगा से मैसेज चले जाएगा जिससे शायद मे बी ऐसा प्रोडक्ट यूज करेंगे प्रोडक्ट को पैक करने के लिए जो शायद कम से कम डैमेज करेगा हमारे एनवायरमेंट को नाउ यू आर पुटिंग मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ अ बिजनेस एंड देर नॉट डीलिंग विद कस्टमर्स डायरेक्टली इन पर्सन तो शायद वो बेटर तरीके से एक्ट कर पाएंगे देखो क्या बोलता है देर हैज बीन अ प्रिडक्शन इन यूज ऑफ इकोलॉजिकली डैमेजिंग मटीरियल बिकॉज देर इज अलॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज एंड मूवमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन रादर देन फिजिकल ऑब्जेक्ट्स ठीक है मतलब उनका पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है इसके अलावा कोई और बेनिफिट है गवर्नमेंट को और कोई बेनिफिट है गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा यार एक बात सोचो प्रोडक्ट जब आप कंज्यूम कर रहे थे अगर वो आप कैश में कंज्यूम करते हो तो अल्टीमेटली आप जीएसटी अवॉइड कर सकते हो यू गेट माई पॉइंट अगर मैं इन जनरल बोलता हूं इफ इट बिकम्स अ कल्चर अक्रॉस द वर्ल्ड अक्रॉस द कंट्री तो धीरे धीरे इन जनरल यूल सी अ ट्रेंड ट ओवरऑल जो प्रोडक्ट्स कंज्यूम हो रहे हैं हमारे कंट्री के अंदर उसमें जो मे बी थोड़ा बहुत बाईपासिंग पॉसिबल हो रहा था वो बाईपासिंग कंपेरेटिवली क्या होना शुरू हो जाएगा कम होना शुरू हो जाएगा और अच्छा भी है फ्रॉम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज हाउ वील एक्चुअली ग्रो मतलब उस पैसे का इस्तेमाल गवर्नमेंट कैसे करता हैवर्नमेंट दो मिनट आपके पास में दो ही पॉइंट है लिख लो क्लोज करो फटाफट फड़ से बेनिफिट्स टू गवर्नमेंट फर्स्ट वाले में तो कुछ लिखने का जरूरत ही नहीं था हेडिंग के अलावा सेकंड वाले में हेडिंग वाज गुड अलोंग विद दैट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पिक कर सकते हो आप मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन रादर देन थोड़ा आप आपको अदर डालना पड़ेगा कैसे मुझे हेडिंग से एक चीज पिक करने का है उतना अगर लिखा तो मेरा काम हो जाएगा

We'll We'll spend two minutes. We'll look at the the heading. You will know the answer, and then you'll go home, read it, write it. write ऑनलाइन पब्लिक सोच रहे हैं सब बढ़िया है पेमेंट करने के लिए पैसा भी है वेबसाइट भी चालू है इंटरनेट नहीं है समझ रहे मेरा बात डन कैन आई गोड पॉइंट नंबर टू हाई स्टार्टअप कॉस्ट मतलब वो यही बोल रहा है अगर तुम इमेजिन करो तुमको अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ही बनने गए तो तुमको अब इसका एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग तुमको आगे आएगा वेन वील गो टू क्लाउड कंप्यूटिंग नो दर इज समथिंग कॉल्ड एज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस सॉफ्टवेयर सैस सुना है आप लोगों ने आपको रेडीमेड सॉफ्टवेयर दिया जा रहा है यूज करने के लिए दैट्स कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बेसिकली आपको अब वेबसाइट बनाने के लिए भी वेबसाइट है विक्स डॉट कॉम विक्स डॉट कॉम इज अ प्लेस ओन वेबसाइट मतलब एस अ गोड आई डी भी है बेसिकली आपको अपना खुद का प्लेटफॉर्म शुरू करने के लिए थोड़ा कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मे बी सर्वर चार्जेस वॉट यू पे मे बी जो टेक्निकल एक्सपर्टीज लोगों के पास में रहेगी उसके लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा थोड़ा आपके लिए स्टार्टिंग फेज में कॉस्ट रहेगा अगर आपको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने का एट अ वेरी ह्यूज स्केल ऑफ वॉल्यूम ऑब्वियसलीस्ट इज गोइंग टू बी हाई थर्ड वन के नर्ड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जिसको अमेंड भी किया है पहले तो सबसे बड़ा क्वेश्चन था अगर मेरे पास में ऑनलाइन आया है डॉक्यूमेंट मतलब, को मैं कोर्ट ऑफ लॉ में यूज करके बोल सकता हूं क्या कि मैंने प्रोडक्ट खरीदा है सामने वाले ने प्रोमिस किया है पहले तो लोगों ने क्वेश्चन ही ये किया था कि आपको फिजिकल रिसीट रखना कंपल्सरी है क्या फिजिकल इनवाइस प्रिंट करना कंपलसरी है क्या प्लस वॉट इफ आई ऑर्डर फ्रॉम एमेजोन डॉट कॉम एंड नॉट फ्रॉम इन डिफरेंस है डॉट इन इंडिया वाला है डॉट कॉम यूएस वाला है कस्टम ड्यूटी लगेगा क्यों होगा ना आपने प्रोडक्ट के ऊपर कितना ड्यूटी लगेगा वो मेरे से कितना पैसा ले रहा है ड्यूटी वापस देगा कि नहीं देगा डेली किस चीज के लिए कंज्यूम करूंगा कोई ऐसा प्रोडक्ट तो ऑर्डर नहीं कर रहा हूं जो इंडिया में लेके आने अलाउड नहीं है फॉर एग्जाम्पल देर वॉज अ बिग क्वेश्चन ऑन ड्रोन विच यू कैन बाय इन यू एस एंड गेट फ्रॉम यर गेट टू इंडिया लाइक इन यू इन यो फ्लाइट कैन यू गेट अ ड्रोन ऑन नॉट

नहीं रहेंगे या मतलब क्राउड ही बहुत कम रहेगा इन जनरल मतलब दिस इज नॉट अ बिजनेस जो आइडियली किसी ने करना चाहिए दूसरा कल्चरल इंपेडिमेंट्स टू इंपेडिमेंट्स मतलब एक तरीके से हमारा कल्चर ही हमको इंडायरेक्टली ऐसा लगता है कुछ लोगों को आदत ही नहीं ऑनलाइन पेमेंट करने का देर आर सम पीपल जस्ट बिफोर कोविड इवन माई पेरेंट देर लाइक कौन करता है ऑनलाइन पेमेंट बट वेन दे सॉफ यू आउट साइड द बैंक नो इट मेक सेंस